इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों के सामने मैं बता देना चाहता हूँ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और मुझसे जो लेटेस्ट कोड है या फिर जो लेटेस्ट सोल्यूशन है वो पूछते रहते हैं तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं साथ में बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं पर डे तो जो हमें ज्वाइन करते हैं उनके सोल्यूशन को देने में ही हमारा पूरा समय चला जाता है तो यदि आपको सही में सॉल्यूशन चाहिए वो भी बिना समय को बर्बाद किए तो आप हमें पहले ज्वाइन कर लें वहाँ से हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपका जो सोल्यूशन है वो विद इन फाइव मिनट पूरा हो जाता है तो फिलहाल अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहां पर मैं आपको फिर से एक नए टॉपिक पे बात करने वाला हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे एक नया नया मतलब आया है सोल्यूशन जो कि आपका डायरेक्ट मतलब मैं कहूंगा कि चाइना के थ्रू ही आया आपको तो पता ही है ऐसे भी मैक्सिमम जो स्मार्टफोन होते हैं वो चाइनीज़ होते हैं और चाइनीज स्मार्टफोन के लूप होल्स आपको चाइना से मिल जाते हैं तो मैं बता दूँ जो लोग नए हैं उनके लिए कि मेरे पास खुद खुद का सर्विस सेंटर है जहाँ पर मैं तीन सर्विस सेंटर को हैंडल करता हूं और उसी के नॉलेज के बेस पे आपको मैं स्मार्टफोन का मास्टर बनाता हूं तो आज की इस वीडियो में फिर से एक नए मेथड के बारे में बात करेंगे जैसे आप अपने स्मार्टफोन को चाहे वो कोई भी एंड्रॉयड हो उसे अनलॉक कर सकते हैं और अनलॉकिंग बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है आप इसमें बताए गए मैथड को इस्तेमाल करके किसी भी किसी भी एंड्रॉयड को आप अनलॉक कर सकते हैं वो वो भी आपको बिना कंप्यूटर का और बिना कोई भी फोटो को डिलीट किए हुए वीडियोज को डॉक्यूमेंट्स डाकु, डाकु, को डेटा को तो इसका मतलब ये निकला कि हम आपको स्मार्टफोन को अनलॉक करने का जो बेस्ट मेथड है वो आपको सिखाएंगे वो भी बिना कंप्यूटर और बिना किसी डेटा लॉस्ट के तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप इसमें बताए गए मैथड्स को सही से समझ के सीख सकते हैं और उसे लॉक हुए स्मार्टफोन में अप्लाई करके आप उसे अनलॉक कर सकते हैं तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि हम किस तरह से अपने स्मार्टफोन को वो भी बिना कंप्यूटर अनलॉक करेंगे तो आप जो पहला इंटरफेस देखते हैं अपने स्मार्टफोन में वो है इसका लॉकिंग इंटरफेस जहां आपको सिर्फ टाइमिंग और डेट वगैरह दिखाया जाता है अब यहां पे आपको एक बात मैं शुरू में बता दूं आप जब भी अनलॉकिंग मेथड अप्लाई करें सबसे पहले अपने हैंडसेट के बैटरी को आप मिनिमम 50 परसेंट चार्ज करें या उससे ज़्यादा रखेंगे तो अच्छी बात है कोशिश कीजिए कि की... अस्सी से ऊपर हो यदि वो फिफ्टी से भी ऊपर है तो बहुत सफिशियंट है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अब उसके बाद बात करेंगे अनलॉकिंग मैथड का तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लॉकिंग हैंडसेट है इसे जब हम ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने के लिए तो यहाँ पे हमें ये चीज़ मैं बता दूँ पहले बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं खुद सर्विस सेंटर में भी आते हैं लेके इस तरह के प्रॉब्लम को कि सर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बार गलत पासवर्ड ट्राई किया हुआ है लेकिन हैंडसेट अनलॉक नहीं हुआ उल्टा यहाँ पर टाइमर आ गया तो इस तरह की गलती करेंगे आप तो आपको हो सकता है ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो इसलिए आप यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो आप मैक्सिमम दस बार ट्राई कीजिए ज्यादा आपको ट्राई नहीं करना है तो चलिए अब बढ़ते हैं आप उस मैथड की तरफ जिस मैथड से हम इसे अनलॉक करेंगे यहां पर हम आपको पहले बता दें ऑफलाइन मोड ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से आपको अपने हैंडसेट में बताया गया इस मेथड को अप्लाई करना है सबसे पहले इस मेथड को शुरू करने के पहले आपको यहाँ पे अपने हैंडसेट को एयरप्लेन मोड में आपको डाल देना है यानी कि फ्लाइट मोड यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है इस तरह से और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आपको इसे ओपन कर देना है अब आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे आपके हैंडसेट में इमरजेंसी कॉल्स ऑनली का जो ऑप्शन है वो एपियर हो जाएगा आ जाएगा अब यहाँ पर अब यहाँ पर आपको दो तीन मेथड आपको अप्लाई करने हैं पहला है इसे ऑफलाइन मोड का कोड में आपको इसे लेके जाना यानी कि आपको अपने हैंडसेट को ऑफलाइन कर देना है अब ऑफलाइन करने का मतलब पावर बटन को आपको क्लिक नहीं करना है यहाँ पे सिंपली इसे आपको एक मैं कोड बता रहा हूँ जो आप यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे हो इसे आपको यहाँ पे इस तरह से डायल करना है और इस नंबर पे आपको तीन बार कॉल कर देना है बिल्कुल इस तरह से बहुत ही सिंपल सा है आप देखेंगे तो समझ जाएंगे अब जब आप यहां पे तीन बार कॉल कर देंगे आपका जो स्मार्टफोन है वो ऑफलाइन में चला जाएगा जी हाँ अभी आपके हैंडसेट का ऑफलाइन मोड एक्टिवेट हो चुका है अब इसके बाद आपको यहां से बैक आना है बैक कहने का मतलब सारे कोड को हटा देना था अब यहाँ पे हमें मास्टर लॉकिंग कोड का जो एफ कोड है उसे यहाँ पे इस्तेमाल करना है और आपको तो पता है गूगल के द्वारा जो कोड आता है उसे ही आ, मतलब गूगल एफ कोड कहते हैं और उसे हमें यहाँ पे इंटर करना है और अभी का जो लेटेस्ट कोड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइव सिक्स वन स्टार वन एंड टू और ये जो कोड आपका है ये है नया वाला गूगल एफ कोड आपको इस नंबर पर यहाँ पर फाइव टाइम कॉल करना है जब आप यहाँ पर कॉल करेंगे आपको पहले की तरह आपको ओके मिलेगा इसे ओके कर दीजिएगा इस तरह से आपको करते जाना है थ्री फोर एंड फाइव अब यहाँ पर आपको इस कोड को हटा देना है लेकिन एक बात याद रखिएगा ये जो कोड है ना ये सिर्फ़ एक महीने के लिए वैलिड होता है क्योंकि गूगल की तरफ से कुछ सिक्योरिटी रीजन्स हैं जिसके कारण हर महीने कोड जो है वो एक तारीख को आ जाता है और उसी कोड को हम इस्तेमाल करते हैं यदि आपका ये कोड काम नहीं कर रहा होगा उस केस में आप हमें ज्वाइन कर लें और हमें कमेंट करें आपकी हेल्प की जाएगी हमारे टीम के द्वारा आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे आपकी हेल्प की जाती है वो भी गारंटी के साथ पाँच मिनट के अंदर तो फिलहाल अब अगला स्टेप हमें क्या लेना वो यहाँ पे देख लो आप जब आप उस कोड को डाल चुके हो गए यहाँ पर आपको डायल करना है स्टार हैच एट डबल नाइन और हैच को आपके हैंडसेट में इंजीनियर मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा अब यहाँ पर आपको सारे अनलॉकिंग मेथड अप्लाई करने हैं जैसा समय बताओ आप उतना ही करिएगा अपने मन से यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को आपको टच भी नहीं करना वरना आपका स्मार्टफोन खराब होने का चांस बना रहेगा अब यहां पर आपको करना क्या है सबसे पहले आप जो यहां पर देख रहे हैं सॉफ्टवेयर वर्जन इसे क्लिक कीजिएगा और यहां पे आपको जितना भी एंड्रॉयड वर्जन दिखा रहा होगा उतने बार आपको इसे क्लिक करना है यदि आपका यहां पे टेन दिखा रहा तो ते, आपको टेन टाइम करना है नाइन दिखा रहा तो नाइन टाइम इलेवन है तो इलेवन टाइम और ट्वेल्व है तो ट्वेल्व टाइम अभी तो थर्टीन आया भी नहीं है तो फिलहाल हम इसे यहां पे कंटिन्यूअसली ग्यारह बार क्लिक करेंगे क्यों क्योंकि मेरा यहां पे ग्यारह दिया हुआ है एंड्रॉयड वर्जन तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है बैक आ जाना है अब आपको यहाँ पे अगला स्टेप जो लेना है वो उससे ध्यान से देखिएगा नंबर फोर पे हमें मैनुअल टेस्ट दिख रहा होगा उसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब नए नए पेज आएंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन भी दिख रहा होगा पर आपको इसे इग्नोर करते हुए इसे स्वाइप कर देना है और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे डिवाइस डबिंग के पेज पर अब यहाँ पर आपको सेकंड फेज का मोबाइल अनलॉकिंग का जो मेथड है उसे अप्लाई करना है करना क्या है यहाँ पे आपको पहले एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन इसे आप

और उसके जस्ट बाद आपको यहां पर देखेगा जायरोस्कोप आप यहां देख सकते हैं मैं जूम कर देता हूं जायरोस्कोप पर आपको क्लिक करना है और यहां पे फिर से ग्राफ को क्लिक करना है और यहां पे फिर से आपको एक्स वाई और जेड के जो सेंसर्स हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज होंगे आपको हैंचर को थोड़ा सा इस तरह से हिलाना है आपके सेंसर्स जो है यहां पे वो डिटेक्शन मोड में चले आएंगे अब इसके बाद आपको यहां से नॉर्मली बैक आना जब आपको लगे कि तीन सेकेंड से ज्यादा हो चुके हैं तो बैक आएंगे फिर से बैक आएंगे और यहां पर आप सिंपली फिर से जाएंगे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन में इसे क्लिक करेंगे और यहां पर जो दो ऑपरेशन है दोनों को फिर से एक बार ट्राई करेंगे कि कहीं पास आ रहा है कि नहीं यदि पास आ गया तो समझिए कि आपका इस पेज का जो है प्रोसेस पूरा हो गया यदि फेल आ रहा है तो आप देख सकते हैं तो मेरा जो सेकंड वाला वो यहाँ पे पास आ गया। यदि तो फिर से टच करेंगे जब तक कि पास ना है। आप जब, पास जब आप देख लेंगे आ जाएगा, तो आप सिंपली बैक आ जाइएगा अब आपका जो सेकंड स्टेज का काम है वो पूरा हो चुका है अब आपको यहां पे तीसरा स्टेप जो लास्ट का स्टेप है पूरा करना है, तो इस तरह से पेज को स्वाइप करेंगे और सबसे लास्ट का जो अदर का पेज है वहाँ पे चले आएंगे अब यहीं पे आपको मेन और इंपॉर्टेंट काम करना है क्या काम मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख लूंगा डेटा बेस वर्जन का आपको इसे यहाँ पे सेवन टाइम क्लिक करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और इसके बाद आपको नंबर दो पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है रीड राइड इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट इसे क्लिक कर देना है जब आप यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कहेगा इसे कंफर्म करने के लिए अब मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ कंफर्म करने के लिए कि आपको इसे कन्फर्म नहीं करना है पहली बार में इसे कैंसिल कर देना है दूसरी बार में भी आपको इसे ओपन उप, करना है और दूसरी बार में भी इसे कैंसिल कर देना है लेकिन तीसरी बार में आप यहां पे इसे ओके कर देंगे और आप देखेंगे आपका जो रॉन्ग पासवर्ड वो यहां पे रिसेटिंग मोड पे चला गया है वो आप देख रहे हैं यहां पे आपको फ्लैश आ गया था अब इसके बाद आपको बस लास्ट का स्टेप लेना और आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा लास्ट का स्टेप क्या है की स्टेटस को क्लिक करेंगे और आप यहां पर देखेंगे आपके जितने भी की हैं वो सब पास हो चुके हैं और की का मतलब आप जानते हैं और पास का मतलब भी आप समझ चुके होंगे अब यहाँ पे आप एक चीज़ और यदि गौर करेंगे तो आपको दिखेगा वो है गूगल की यहाँ पे पास दिखा रहा है मतलब आपके हैंडसेट के जितने भी पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस लॉक यहाँ तक कि जो आप आपने गूगल में भी पासवर्ड लगाया होगा वो सारा यहाँ पे पास हो चुका है और अब आपका हैंडसेट जो है वो आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए तैयार है कि आपका हैंडसेट अनलॉक हुआ कि नहीं तो सिंपली आप इसे करेंगे क्रॉस चेक होम बटन को दबा के और आप देखेंगे आपका जो हैंडसेट है वो यहाँ पे अनलॉक सक्सेसफुली हो चुका है इस तरह से आप किसी भी एंड्रॉइड को अनलॉक कर सकते थे आपका अभी भी नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइन कीजिए जैसे आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीम मेंबर की तरफ से आपको व्हाट्सएप पर पांच मिनट के अंदर एक वीडियो कॉल पहुंच जाएगा और उस वीडियो कॉल की हेल्प से हम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ पांच मिनट में अनलॉक करके दे देंगे तो आप एक बार ज्वाइन ऑप्शन को ट्राई करके जरूर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो टॉपिक होने वाला है ये डिफरेंट है अब डिफरेंट किस मायने में है क्योंकि मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ वो खुशखबरी ये है कि हमारे पास जो नया वाला गूगल एफ कोड है वो भी चला आया है और सबसे इम्पॉर्टेंट इस बार फिर से चाइना की तरफ से हमारे पास एक नया अनलॉकिंग मैथड आ चुका है जो मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस मैथड का कि ये और भी ज़्यादा सिंपल हो गया है इससे आप मतलब घर बैठे सिर्फ मोबाइल की हेल्प से अनलॉक कर सकते हैं इसमें हमें कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो इसलिए ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए तो इस ये वीडियो वरदान साबित हो सकती है तो ध्यान से देखिएगा अंत तक देखिएगा जहाँ पर आपको एवरी स्टेप आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप मैं आपको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इससे आपका मतलब बहुत बड़ा काम हो जाएगा लेकिन ये तो श्योर है कि आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा तो चलिए बढ़ते इस मेथड में जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे सिखाएंगे कि आप किसी भी दुनिया के एंड्रॉयड को चाहे वो कोई भी कंपनी का हो आप उसे घर बैठे अनलॉक कर सकते हैं वो भी चुटकियों में और सबसे बड़ी बात कि आपका कोई भी डेटा जैसे फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन डिलीट नहीं होने वाला है तो आप इस मेथड को सीखें और अपने हैंडसेट को अनलॉक कर लें तो बढ़ते हैं इस मेथड में जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इससे अब करना क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा जहाँ पे पासवर्ड डालना है ये पेज आपको दिख रहा है अब यहाँ पे नॉर्मली जो अक्सर अक्सर जी हाँ मतलब मैं कहूँ तो सौ में सौ लोग भी है ऐसा गलती कर देते हैं वो गलती ये रहती है कि वो यहाँ पर बार बार पासवर्ड लगाते रहते हैं यदि आपका पैटर्न होगा तो आप पैटर्न लगाते रहेंगे कि शायद ये पासवर्ड से खुल जाए ये पैटर्न लगाने से खुल जाए पर ऐसा यदि नहीं होगा उस केस में आपका हैंडसेट यदि आपने दस बार से ज़्यादा ट्राई कर लिया है तो समझिए कि आपका हैंडसेट डेड होने का चांस है क्योंकि आज का स्मार्टफोन रियली में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है उसे लगता है कि यदि आप कोई और बंदा इस हैंडसेट को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये फ़ोन ख़तरे में और उस केस में आपका जो प्रोसेसर है वो डेड मोड में ऑटोमेटिकली जा सकता है और फिर आपको पता है उस केस में आपका प्रोसेसर चेंज होगा जो कि सर्विस सेंटर वाले करेंगे और उस केस में आपके पैसे जो हैं वो समझिए कि आधा लग जाएगा जितने का हैंडसेट होगा तो ऐसा गलती मत कीजिए वरना आप अपने हैंडसेट से हाथ धो बैठेंगे तो उस केस में करना क्या है अनलॉक करने के लिए मैं बता रहा हूँ ना आप इसे यहाँ पर देखिए क्या करना है अब जब आपका ये लॉकिंग डिस्प्ले आपको दिख जाएगा जिन जिनका भी ये हैंडसेट है तो इन्होंने मुझे ये दिया था कि सर ये हैंडसेट कौन लॉक कर दीजिए मैं नाम नहीं बताऊँगा कौन थे तो इस तरह से आप इस तरह आप ऊपर करेंगे जहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है अब यहाँ पर पासवर्ड तो डालना है नहीं तो इस यहाँ पर आपको करना क्या है कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जो कि आपको नीचे में मिल रहा है वो है इमरजेंसी कॉल आप इसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे अब इमरजेंसी कॉल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं सबसे पहला है आपके हैंडसेट को ऑफ़लाइन मोड में ले जाना तो उसके लिए दो स्टेप यहाँ पे हमें लेने हैं पहला इस हैंडसेट को हमें डाल देना है एयरप्लेन मोड में या फिर जिसे कहते हैं फ्लाइट मोड आप यहाँ से इसे एक्टिवेट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से बैक हो जाइए <coughs> उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड का जो कोड है उसे भी यहाँ पे डालना होगा और अभी का जो लेटेस्ट कोड है मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप इसी कोड को यहाँ पे डाल देंगे और ये जो कोड है सारे स्मार्टफोन में कॉमन है सबका एक है तो ये डिफरेंट आता नहीं और ये हमेशा के लिए यही रहता है तो इस तरह से इन नंबर पे डाल के आपको इस पर तीन बार कॉल कर देना है इस तरह से जैसे आप यहाँ पे कॉलिंग करेंगे एक ओके okay का मैसेज आपको दिख रहा होगा इसे ओके okay कर दीजिएगा और इसे याद रखिएगा तीन बार करना ना तीन से कम ना तीन से ज़्यादा जब तीन बार हो जाए आप इन नंबरों को हटा दीजिए अब आपका जो है हैंडसेट 100 परसेंट ऑफलाइन मोड में चला गया है अब यहाँ पर जो अगला स्टेप है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर डालना होगा गूगल एफ कोड जो आपको यहाँ पर मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ फाइव स्टार नाइन वन टू फाइव डबल वन टू स्टार वन टू वन स्टार फाइव एंड हैज ये जो आप कोड यहाँ पे देख रहे हैं ये है नया का नया वाला गूगल एफ कोड जो आज ही आया है और मैंने आपको जस्ट अभी ये शेयर किया है तो इस केस में आपको इस कोड पे करना क्या है इस कोड पे आपको सेवन टाइम कॉल करना है जब आप कॉलिंग करेंगे पहले की तरह आपको ओके okay मिलेगा इसे ओके okay कर दीजिएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन अब आपको इन कोड को यहाँ से हटा देना है याद रखिएगा ये जो कोड है आपका जो हर महीने एक तारीख को आता है लेकिन इस बार थोड़ा डिले हुआ था और आ जाया है तो यदि आपका ये कोड काम नहीं कर रहा होगा समझिए उस केस में आपको नया वाला कोड चाहिए और नए वाले कोड के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जैसे आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीम मेम्बर का आपके पास नया वाला कोड का आपको रिप्लाई मिल जाएगा उस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस जो मैं यहाँ पर सिखाऊंगा उसे आप अप्लाई करके अनलॉक कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको करना क्या है आपको यहाँ पर आप ओपन uh, करना होगा मास्टर अनलॉकिंग मोड उसके लिए जो नंबर है वो है स्टार हैच एट डबल नाइन और हैच और फ्रेंड आप देख सकते हैं आपके हैंडसेट में इंजीनियर मोड नाम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चलाएगा अब अगला स्टेप हमें यहीं पे लेना है जो कि इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे आप शायद कन्फ्यूज हो रहे होंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है जितना मैं बताऊँ उतना तो ही आपको यहाँ पर काम करना है नॉलेज नहीं है इस पेज के बारे में तो ज़्यादा आप शेरखानी मत कीजिए वरना आपका हैंडसेट हो सकता है कोई और नए प्रॉब्लम में फंस जाए तो इस केस में आपको पहला स्टेप क्या लेना है पहला स्टेप है आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पर क्लिक करना एंड्रॉयड वर्जन पर जितना आपको दिखा रहा होगा उतने बार क्लिक करना आपका यदि नाइन है तो नाइन टाइम कीजिए टेन है तो टेन टाइम ट्वेल्व है तो ट्वेल्व टाइम मेरा यहाँ पे इलेवन तो मैं इसे इलेवन टाइम क्लिक करूँगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब इसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना बैक आ जाना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नंबर फोर पर दिख रहा होगा मिनुअल टेस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है अब मिनअुअल टेस्ट में आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा नया नया ऑप्शन यहाँ आपको सिंपली इस तरह से आपको को करना है और सबसे लास्ट वाले पेज पर चले जाना है और जैसे आप लास्ट वाले पेज पे आएंगे यहाँ भी आपको टोटल पांच ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे तो यहाँ पे आपको बारीकी से समझना है कि मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेटा बेस वर्जन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे आपको नाइन टाइम क्लिक करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और उसके जस्ट पाँच सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे रीडिंग रिसेट कम्पलीट इंडिकेटर को क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे पास का एक मैसेज दिख रहा होगा अब इस पास का मतलब ही होता है कि अभी तक आपने जितने भी प्रोसेस लिए हैं किए हैं वो सारे सही जा सही जा रहे हैं सही रास्ते पर इसलिए आपका पास आया हो सकता है यदि आपका फेल आया होगा तो आपने जरूर वीडियो को बढ़ा के देखा होगा तो इस केस में आप वीडियो को पहले प्रॉपर देखिए सारे स्टेप्स को अप्लाई कीजिए फॉलो कीजिए आपका यहाँ पर पास आ जाएगा अब इसके बाद आपको यहां से बैक आना है और यहां इसके बाद आपको तो नंबर दो पे जो दिख रहा ऑप्शन जिसका नाम है रीड राइड इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट इसे आपको क्लिक करना है जब आप यहां पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है कैंसिल और ओके का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको लेकिन आपको ओके नहीं करना है कैंसिल करना है आपको इसे फिर से करना है और इस बार फिर से कैंसिल करना है यहाँ और तीसरी बार फिर से करना है तीसरी बार भी कैंसिल करना है चौथी बार फिर से करना है लेकिन चौथी बार इसे आपको ओके कर देना है कैंसिल नहीं करना है तो ओके जैसे ही करेंगे आप आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड का जो है वो रिसेटिंग मोड पे आपका चला गया है बस लास्ट स्टेप आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा अब वापस से आपको यहाँ पर जाना है डिवाइस डबिंग के पेज पे जो नंबर दो पे है डिवाइस डबिंग के पेज पर पे आ चुके हैं और यहाँ पर हमें बस एक काम करना है और आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा यहां पे हमें आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन इसे आप क्लिक करेंगे और यहां पे दोनों ऑपरेशन को स्टार्ट कर देंगे टच करके जब तक यहां पे हमें पास नहीं दिखेगा हम यहां पे इस प्रोसेस को करते रहेंगे और आप देख सकते हैं हमारा सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो यहां पर पास आ चुका है इसका मतलब आपका हैंडसेट अनलॉक हो चुका है बस लास्ट स्टेप लेंगे और सिंपली क्या है वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए होम बटन दबाएंगे और आप देखेंगे आपका जो ये हैंडसेट है सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है तो इस तरह से आप किसी भी एंड्रॉयड को घर बैठे बिना कंप्यूटर के बिना किसी डेटा लॉस्ट के अनलॉक कर सकते हैं यदि आपका हैंडसेट अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है जी हाँ तो उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीम मेंबर में से किसी भी एक मेंबर का आपके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हमारी टीम आपके हैंडसेट को अंडर फाइव मिनट मिनट के अंदर अनलॉक करके दे देगी गारंटी के साथ तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा जिससे कि आपका भी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सके तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में एक अमेजिंग वीडियोज के साथ तो देखते रहिए रिव्यू रिविल्ड